गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रही है बाबू के टिफ़िन की तैयारी और आज मैं उसके टिफ़िन में बनाने वाली हूँ पनीर के पराठे। असल में अब पनीर लाए थे हस्बैंड बच्चों के खाने के लिए, तो वही जो है ज़्यादा ले आए थे तो वही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा टिफ़िन में पराठे बना देती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले जो आटा था वो मैंने लगा कर रख दिया है, जिससे कि जब तक मैं पनीर वगैरह तैयार करूँगी तब तक जो आटा है हमारा फूल का सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पनीर था, मैंने हाथों से ही जो है उसको अच्छे से क्रम्बल कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बारीक जो प्याज थी वो चॉप कर ली थी, साथ में हरा धनिया ले लिया था और हरी मिर्च मैंने नहीं डाली क्योंकि बाबू के टिफ़िन में अभी बना रही हूँ। और सभी के जो है ब्रेकफास्ट में यही पराठे ही हो जाएंगे, बाद में जो खाना है वो बाद में बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने प्याज धनिया डालने के बाद जो है नमक डाल लिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल लिया है और उसके साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला साथ में मैंने डाला है, चाट मसाला। इससे जो है काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है पराठों में। सभी चीज़ों को कर लूँगी अच्छे से मिक्स और बस उसके बाद हमारा ये जो मिक्सचर है ये रेडी है। थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया था नमक वगैरह कैसा है। अब फटाफट से जो है जो पराठे हैं वो मैं बना देती हूँ बाबू के टिफ़िन के लिए, एक उसके खाने के लिए बना दूंगी, तो दूध के साथ जो है वो भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेगी। और आज ना सच कहूँ मेरा बिल्कुल भी ना उठने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज ना मेरे इतना दर्द हो रहा था बैक में। और रीज़न आप सभी जानते ही हैं, वही अपना जो है मंथली प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से काफ़ी मेरे पेन हो रहा था। वैसे तो मेरे इतना जो है पेन नहीं होता है, बट क्या है ना, विंटर में आप सभी को पता ही है मेरे बैक पेन की और जॉइंट पेन की जो है प्रॉब्लम रहती ही है, और पीरियड में भी जो है ये प्रॉब्लम होती है, तो दोनों जो है मिक्स होके पेन जो है ज़्यादा ही हो रहा था। पर क्या करें, काम तो जो है सब करने ही होते हैं। एक बार तो मन में आया कि रहने देती हूँ बाबू को, स्कूल नहीं भेजती हूँ, फिर सोचा कि चलो ये तो होता ही रहता है, तो फिर जो है मैं उठ गई जैसे तैसे मन करके। और इसी वजह से मैंने ये जो है पराठों का प्लान बनाया था कि झटपट से बन जाएंगे तो ज़्यादा मुझे वो नहीं होगा, फिर आराम से मैं अपना जो भी खाना पीना है वो कर लूँगी। तो ये होता है ना, कितनी दिक्कत हो जाती है हम लेडीज़ को सच में, बट फिर भी हमको जो है सब कुछ करना ही होता है, कितनी ही तकलीफ हो कितना ही कुछ भी हो, हंस हंस के लेकिन सारे काम जो है घर के करने ही होते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है कि कोई और तो है नहीं करने वाला। शादी से पहले जो है सब कुछ काफ़ी बढ़िया रहता है, घर में होते हैं ना अगर ऐसा कुछ हो तो बस बिस्तर पर से बिल्कुल उठते भी नहीं है, सारी चीज़ें बस बिस्तर पर ही चाहिए दर्द की वजह से। बट शादी के बाद तो सब हमें ही करना है, कितनी ही तकलीफ हो कुछ भी हो सब कुछ हमें ही देखना होता है, तो बस वही है। तो यही मेरा था, कुछ आता ही जो है पेन हो रहा था मेरे, और विंटर भर जो है ऐसे ही रहने वाला है, सारा विंटर मेरे जो है बैक पेन की प्रॉब्लम तो रहती है और इस टाइम पे जो पेन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस वही सब मैं अपना जो है यहाँ पर लगी हुई थी, अपना जो है पेन था लेकिन फिर भी काम सारे जो है अपने आप ही मुझे करने थे। तो देखिए यहाँ पर बाबू के लिए पराठे बना दिए थे और उसको जो है मैं दे आई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। जब तक मैं यहाँ पर हस्बैंड के लिए चाय भी बना देती हूँ, तो यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। और जब तक चाय बन रही है तब तक साथ के साथ मैं जो बाबू का टिफ़िन है वो भी रेडी कर देती हूँ। तो पराठे थे ही, तो साथ में मैंने पूछा था बाबू से सॉस रख दूँ या अचार, तो उसने बोला कि मम्मा जो अचार है वो रख दो, तो आम का अचार मैंने रख दिया है और दो पराठे मैंने रख दिए हैं। और उसको जो खाने के लिए दिया था एक पराठा, वो भी जो है उसने आधा ही खाया था, पूरा नहीं खाया था। तो बस यहाँ पर बाबू का जो टिफ़िन है वो रेडी है और यहाँ मैंने पानी थोड़ा रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि मौसम अब काफ़ी जो है चेंज हो गया है, काफ़ी ठंड हो गई है, तो एकदम जो है ठंडा पानी ठीक नहीं रहता है, तो हल्का सा गुनगुना सा जो है करके रख देती हूँ। और कैटल में कई दिनों से निकालना चाह रही हूँ, मेरे पास कैटल रखी हुई है इलेक्ट्रिक कैटल, बट वही है कि याद ही नहीं रहता है इतने कामों में, जो है डेली भूल जाती हूँ कि उसको निकाल लूँ और धुलकर जो है उसको यूज़ कर लूँ, तो डेली भूल जाती हूँ। यही होता रहता है ना कामों में, बहुत सारी चीज़ें हम जो है भूलते ही रहते हैं। तो बस यहाँ पर बाबू का टिफ़िन वगैरह रेडी कर कर उसके बैग में रख दिया था। बाबू का जो है जो पोनी थी वो बना दी थी, उसके बाद उसको जैकेट पहनाकर उसको रेडी कर दिया है। और इतने में टाइम हो गया था तो बाबू चली गई अपने
पापा के साथ, और मौसम आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल जो है अंधेरा अंधेरा सा ही हो रहा है। और यहाँ पर बाबू जो है अपना आई कार्ड भूल गई थी, तो वो उसको याद आया, फिर वो वापस से अपना आई कार्ड लेने के लिए आई थी। मुझे भी याद नहीं रहा, यही है ना बताया कि जब दिक्कत होती है ना तो काम करने में भी मन नहीं लगता है, जैसे और दिनों में जो है हम काम करते हैं, इन दिनों में काम करने में जो है थोड़ा मन नहीं लगता है, तो इसी वजह से कुछ ना कुछ जो है हो ही जाती है कमी। देखिए यहाँ पर जो बाकी के पराठे थे वो भी मैंने बना कर रख दिए हैं, तो 4 पराठे बन गए थे। एक अभी के लिए सादा पराठा बना दिया था, पनीर का खाएगा तो पनीर का खा लेगा वरना सादा खा लेगा। तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट करने के लिए ले लिए थे पराठे और चाय, हस्बैंड को भी दे दिया था। और उसके बाद मैंने अपना जो झाड़ू पोछा था वो सब किया, वो सब मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरा मन ही नहीं हुआ बिल्कुल। उसके बाद मैं नहा कर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज मशरूम की सब्जी। और यहाँ पर मैं सब्जी तैयार कर रही थी, इतने में हस्बैंड बोले कि मुझे जो है चाय पीनी है। मैंने कहा नहीं, वो ऑलरेडी जो है 2 चाय पी चुके थे तो मैंने मना कर दिया। तो फिर वो बोले चलो मैं अपना कॉफ़ी बना लेता हूँ, तो मुझसे पूछ रहे थे तुम पियोगी, बट मेरा मन नहीं था। और यहाँ पर ना इसी में जो है मैंने मशरूम के लिए पानी गर्म किया था मशरूम को धुलने के लिए, तो ये एकदम पैन गरम था, हस्बैंड ने एकदम गरम गरम पैन जो है पकड़ लिया था और इसी में दूध डाल लिया था और पानी डाल रहे थे, तो वही मैं उन्हें रोक रही थी कि कॉफ़ी में पानी जो है कौन डालता है। बस तो यहाँ पर उन्होंने दूर रख दिया और अपना जो चाय सॉरी कॉफ़ी थी वो रख दी थी बनने के लिए। और मैं कर रही हूँ अपना लंच की तैयारी, जैसे कि बताया मैं बनाऊंगी मशरूम, तो मटर मशरूम मैं बनाने वाली हूँ। बस उसी के लिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ मसाला तैयार, तो मैंने प्याज ले लिया है, हरी मिर्च, टमाटर, ये सारी चीज़ें ना मैं पेस्ट बना लूँगी इनका, और सूखी ही बनाऊँगी, मतलब बहुत ज़्यादा सूखी नहीं, और बट ये है कि ग्रेवी भी नहीं होगी। तो बस यहाँ पर जो मसाला था वो मैंने काट कर सब रख दिया था, साथ ही मैं मटर भी छील लूँगी। वैसे मैं बिना मटर के बनाने वाली थी बट हस्बैंड ने बोला कि मटर भी डाल देना, तो बस यहाँ पर हरी मटर आने लगी है, तो हस्बैंड हरी वाली मटर ले आए थे, तो वही मैंने थोड़ी सी छील ली थी। और उसके बाद अब यहाँ मैं जो प्याज टमाटर हरी मिर्च है उसका पेस्ट बना लिया है। मशरूम मैंने अच्छे से पहले गर्म पानी में डाल दिए थे थोड़ी देर, तो वो अच्छे से साफ हो गए। उसके बाद मैंने नॉर्मल पानी से उनको 2-3 बार धो दिया, क्योंकि अब विंटर में क्या होता है ना, मशरूम में थोड़ा सा जो है चिकनाई सी होती है, तो वो अच्छे से धुलने में नहीं आते हैं ठंडे पानी से, तो गर्म पानी में काफ़ी अच्छे से साफ हो जाते हैं। उसके बाद मैंने उनको काट लिया और यहाँ पर गैस पर पैन रख दिया है और जीरा हींग डाल दिया। उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया और उसको थोड़ा सा जो है भूना। उसके बाद अपने जो हम सब्जी के जो ड्राई मसाले होते हैं वो सारे ड्राई मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, और इनको भी हम जो है डालकर अच्छे से पकाएंगे। और यहाँ पर ना मुझे, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे सर्दी हो रही है काफ़ी दिन, काफ़ी कई दिन हो गए मेरी सर्दी ठीक नहीं हो पा रही है, और पूरा विंटर अब यही रहने वाला है, क्योंकि सर्दी तो होती ही है और पानी के काम इतने हो जाते हैं कि सर्दी जो है बनी ही रहती है। तो यही जो है विंटर में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, गर्मियों में इतना जो है प्रॉब्लम नहीं रहती है, बट विंटर में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है मुझे रहती है सर्दी वगैरह की, और जो पेन होता है वो। तो देखिए मटर भी मैंने मसालों के साथ ही डाल दी थी कि मसाले बन रहे थे तब तक जो मटर थी वो भी उसमें पक गई थी, फिर मैंने मशरूम डाल दिया और ढककर थोड़ी देर पकाया। तो देखिए यहाँ मशरूम ने कितना पानी छोड़ दिया है, अभी मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि मशरूम पानी छोड़ते हैं। तो बस इतनी ही सब्जी हमें रखनी है, तो बस यहाँ 2-3 चम्मच मैंने जो है पानी और डाल दिया था जिससे कि मशरूम पक जाए, और बस इसको ढककर जो है लो फ्लेम पर हम पकने देंगे। और थोड़ी देर बाद देखिए हमारी जो सब्जी है एकदम रेडी हो गई है, और इतना हमें जो है ग्रेवी रखनी है। अभी ये इतनी दिख रही है बट थोड़ी देर में ये बिल्कुल जो है सूख जाएगी। और मैंने इसमें डाल दिया है ऊपर से कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, तो बस अच्छे से मिक्स कर दिया है, सब्जी हमारी एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो गई है। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनी थी, इससे पहले भी जब मैंने मशरूम बनाया था ना तो ऐसे ही बनाया था बिना ग्रेवी वाला, बट उसमें मैंने जो प्याज टमाटर और मिर्च वगैरह थी वो सब चॉप करके डाली थी, तो इतना जो है टेस्ट नहीं आया था जितना आज आया था, क्योंकि एकदम से जो मसाले जो पेस्ट होता है ना कोट हो जाता है सब्जी के ऊपर, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो सब्जी बन गई थी, साथ के साथ मैं यहाँ गर्मा गर्म रोटियाँ बना देती हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड का भी जो है टाइम हो गया है ऑफिस के जाने का, और वैसे तो टाइम 10 से ऊपर ही हो गया है, बट ये है कि आजकल हस्बैंड जो है अब थोड़ा लेट ही ऑफिस जाते हैं, 10:30 कभी कभी 11:45 भी हो जाता है। तो बस यहाँ हस्बैंड को दे आई थी खाना और साथ के साथ उन्हें दे आऊँगी पानी, और फिर उसके बाद जो है बाकी की जो बची हुई रोटियां हैं वो भी मैं फटाफट से जो है बना लूंगी, उसके बाद अपने बाकी के काम करूंगी।
अब यहाँ पर जो है हस्बैंड खाना खाकर चले गए थे, उसके बाद मैंने पूरा जो किचन था वो समेटा और सारे बर्तन वगैरह धुलकर रख दिए। और ये हस्बैंड जो है नाइट में सब्जी लेकर आए थे, तो नाइट में मेरा मन नहीं हुआ धुलने का, तो मैंने ऐसी ही रख दी थी। तो अभी सब्जी सब मैं धुलकर रख देती हूँ जिससे कि सूख जाएगी, तो शाम को फिर मैं इनको जो है फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। तो ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी ही थी, तो जो भी थी वो सारी जो है मैंने धुल दी है, और धुलकर बस टावल पर मैंने फैला दी है, और बस अब ये सूख जाएगी तो शाम को मैं इसको रख दूंगी। और साथ में मेथी वगैरह भी थी, तो वो जो है मुझे साफ़ करनी है, उसके बाद मैं उसको धुलकर और जो है रखूंगी। बट उससे पहले मैं यहाँ पर खा लेती हूँ खाना, क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मुझे मेडिसिन भी लेनी है और लेट हो रहा था। बस यहाँ पर मैं अपने लिए ले आई थी खाना, साथ में थोड़ा सा मैं प्याज ले आई थी सैलेड में, एक हरी मिर्च ले आई थी, और आराम से बैठकर खाना खा रही हूँ। थोड़ा सा जो है अपना टीवी है वो भी चला रखा था, और अभी जो है सो गया है। और इसके बाद अब जो है मैं मिल रही हूँ आपसे दोपहर में 2:30 बजे, क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद मैं भी सो गई थी, क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि मुझे जो है पेन हो रहा था, तो फिर पेन जो है मेरा बढ़ गया था, तो फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कोई काम करने का। और अभी सो ही रहा था तो फिर मैं भी लेट गई, और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। और अब जो है मेरी आँख खुली है, लगभग 2:30 बज रहा है, तो मेरे दिन में मैं सोती नहीं हूँ ना, तो मेरे ना दिन में अगर मैं सो जाऊँ तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है, और बैक में तो पेन हो ही रहा था। तो फिर मैंने जो है बनाई अपने लिए चाय, चाय पीने का मन हो रहा था तो चाय बनाकर ले आई थी, और यहाँ पर मेथी साफ़ करने बैठ गई हूँ। वैसे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरा मेथी साफ़ करने का, बट यह है ये बाहर डली डली जो है पीली हो जाएगी, तो अच्छे से इसको साफ़ करके धुलकर सुखाकर फिर जो है मैं रख दूंगी। और तो देखिए यहाँ पर जो मेथी थी वो मैंने साफ़ कर ली, और जो मटर थी वो भी मैंने छील कर रख ली है। काफ़ी टाइम लग गया इसमें मुझे, इतने में बाबू भी स्कूल से आ गई थी, उसको खाना वगैरह दे दिया मैंने, और अपना ये काम भी कर लिया था। तो बस यहाँ पर देखिए अब जो है जो हमारी सब्जी हमने धुलकर रखी थी वो भी सूख गई थी, और जो मटर है ये भी सब मैं स्टोर कर दूंगी, और जो मेथी है इसको अभी नहीं धुलूंगी, इसको मैं धुलूंगी नाइट में, और यहीं पर जो है मैं फिर फैला दूंगी, तो ये सूख जाएगी, तो सुबह जो है मैं इसको भी स्टोर करके रख दूंगी। फिर ये होता है सब्जी साफ़ सुथरी धुली हुई और देखी हुई होती है, तो फिर कभी भी जो है बना लो, और बाहर ऐसे पड़ी रहती है तो फिर जो है बेकार हो जाती है, मुरझा जाती है, पीली हो जाती है, और गंदी सब्जी मुझसे फ्रिज में रखी नहीं जाती है, इस वजह से मैंने साफ़ कर दी, वरना मन तो मेरा इसको बिल्कुल भी साफ़ करने का नहीं था, पर मजबूरी में जो है करनी पड़ी। तो बाकी की सारी जो सब्जी थी वो मैंने फ्रिज में कर दी है स्टोर, और बस मेथी है इसको उठाकर अभी ढक कर रख दूंगी, और जब नाइट में सारा काम हो जाएगा, ये किचन काउंटर जो है साफ़ हो जाएगा, तब मेथी को मैं रख दूंगी। और देखिए अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ घी, क्योंकि अब बटर मैंने कल निकाल लिया था, फिर मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि इतने काम हो जाते हैं ना और घी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो बटर निकाल कर मैंने बस कल रख दिया था फ्रिज में, तो वही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसका भी घी बनने के लिए रख देती हूँ। तो बस हमारा घी बनकर हो गया है रेडी, और आज इतना जो है तकलीफ थी, फिर भी जो है मैंने इतने सारे अपने जो है घर के काम निपटा लिए धीरे धीरे, क्योंकि मजबूरी होती है, और अब ये तो 2-3 दिन का है, तो फिर 2-3 दिन तक तो ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कोई काम, तो फिर मैंने अपना कर लिए थे आराम आराम से। और यही होता है माउस वाइफ का, तकलीफ परेशानी सब भूल कर जो है हमें अपने काम तो करने ही होते हैं। देखिए घी मेरा रेडी हो गया है और हल्का ठंडा हो गया है, तो इसको रख दूंगी और ब्लॉग को करूंगी यहीं पर एंड। आशा करूंगी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक।